नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टेक्निकल शिवांश यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल पे की जो ट्रांजेक्शन होती हैं, क्या हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो सेंड मनी के लिए हो या रिसीव मनी के लिए। ट्रांजेक्शन दोस्तों कोई से भी हो सकती हैं, अगर उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं तो उसके पीछे कितने परसेंट पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो उसके पीछे के रीजंस आप लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी इस चीज से परेशान हो तो आई कैन गेस कि आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो सर्च करे होंगे, इवन देखे भी होंगे, लेकिन उनमें आप लोगों को इरिटेशन के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। और मैं आप लोगों को अश्योरिटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने पर आप लोगों को थोड़ा बहुत इरिटेशन होगा। हाँ, पर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को यूट्यूब पर और कोई सा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधा आप लोगों को गूगल पे एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन अब तक गूगल पे पर करी है वो सारी आप लोगों को कहाँ देखने पर मिल सकती है। तो जैसे ही आप लोग भी आपका गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल अप करना होगा, देन नीचे आप लोग देख सकते हो सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग आपकी रिसेंट ट्रांजेक्शन से लेकर जब आप लोगों ने आपका गूगल पे क्रिएट करा था उस टाइम तक की ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को जो ये रेड कलर में ट्रांजेक्शन दिखने वाली है, यह आप लोगों की किसी को पैसे पैड करने वाली ट्रांजेक्शन होती है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आप लोगों को दिख रही है ये मनी रिसीव के लिए ट्रांजेक्शन होती है। और इनमें से आप लोगों को अगर कोई सी भी ट्रांजेक्शन डिलीट करनी है, चाहे वो मनी रिसीव के लिए हो या सेंड मनी के लिए हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा गूगल पे में ही नहीं, किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन, चाहे वो पेटीएम हो या फोन पे हो या फ्री चार्ज हो या मोबीक्विक हो, ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप लोग डिलीट कर सकते हो। इसका रीजन आप लोग इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए आप किसी फिजिकल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, तो उसमें आप लोग जब भी मनी डिपॉजिट करवाते हो या पैसे निकलवाते हो, तो क्या आप लोग उन ट्रांजेक्शंस को डिलीट कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, वहाँ भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही वो चीज़ यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग अगर आपका जो गूगल पे अकाउंट है उसकी मेन जीमेल आईडी को किसी दूसरी जीमेल आईडी से कन्वर्ट कर दो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसमें होगा ये कि जब आप लोग आपके गूगल पे को वापस से लॉगिन करवा रहे होंगे, तब आप लोगों से जब जीमेल आईडी पूछी जाती है तब आप लोग किसी दूसरी जीमेल आईडी को वहां पर अटैच कर दो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों का जो ओल्ड गूगल पे अकाउंट होगा वो एकदम से जो है न्यू गूगल पे अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने जो है न्यू जीमेल आईडी ऐड कर दी है। और यहाँ पर आप लोगों का जो रिवार्ड सेक्शन में जितना भी रिवार्ड होगा, स्टिकर्स होंगे, स्क्रैच कार्ड्स होंगे, वो सारे जो है डिसअपीयर हो जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों का आपका अमाउंट जीरो दिखने वाला है। ठीक वैसा ही यहाँ पर आप लोगों को ऑफर सेक्शन में दिखने वाला है, जो भी ऑफर्स एक न्यू यूजर के लिए आते हैं वो सारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ऐसा करने से दोस्तों आप लोगों की जो पेमेंट हिस्ट्री है वो तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सब चीजें मैनेज करके रखना चाहते हो या मैनेज करके रखते हो, सारा कुछ आप लोग जो है आपका ऑनलाइन सारी चीजें आप लोग एक्यूरेट रखते हो, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप लोग प्राइमरी मोबाइल नंबर के साथ में किसी प्राइमरी जीमेल अकाउंट को ही यूज करते हो तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मोटो यही था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि गूगल पे की जो ट्रांजेक्शन होती हैं या पेमेंट हिस्ट्री होती है उन्हें आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हो, और अगर उन्हें किया जा सकता है डिलीट तो उसके पीछे का पॉसिबल रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।